एवरीवन, वेलकम टू ACC। मैं दीप्ति आज आपके सामने SCF बनाने का फॉर्मूला लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, SCF हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इसे शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि कैसे कम समय में हम सिंपल वे में इसे जल्द से जल्द निकाल लें। ठीक है, तो SCF जानने के पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले SCF का फुल फॉर्म क्या होता है हम उस पर चर्चा करते हैं। SCF मीन्स होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ये SCF का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें करना क्या है, जैसे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए, मान लेती हूँ ये नंबर्स है 24, 60, 48 एंड 108। तो हमें जो ट्रिक आजमाना है उसमें क्या करना है, जैसे ये नंबर हमने देखा और बता देना है कि ये SCF है। अब ये निकला कैसे, तो हम लोग उस ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये करते हैं, SCF निकालने के पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो नंबर हमें दिया हुआ हो वो जिस जिस नंबर से कट जाए उसे फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं, जो नंबर हमें दिया हुआ हो वो जिस जिस नंबर से कट जाए उसे फैक्टर कहते हैं। मान लेती है एक नंबर है 18, तो अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर 1 हो सकता है, 2, 3, 6, 9 एंड 18, मतलब इन सारे से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं 24। अब ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा वो लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, ये सारे नंबर से ये डिवाइड होगा। अब करना क्या है, ये तो हमारा निकल गया कि 18 का फैक्टर इतना सारा है, 24 का फैक्टर इतना सारा है। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इन दोनों डिजिट में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा। तो कॉमन फैक्टर बराबर, ये देखिए ये 1 दोनों में है, 2 दोनों में, इसे लिखते भी जाते हैं, 1, 2, 3, 6, बस और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 6 कॉमन फैक्टर। अब हमें निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है SCF। तो इन चारों नंबर्स में ये 6 जो है वो सबसे बड़ा है, नाम से ही जाहिर होता है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ये 6 हमारा आ गया आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट मान लेते हैं हमारे पास नंबर्स दिए हुए 4, 12 एंड 16। तो हमें करना क्या है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसे पहले छांट लेना है। तो ये सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। अब क्या करना, अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के सारे नंबर को काट दे तो ये सबसे छोटा नंबर ही SCF होगा। ठीक है, फिर से एक बार बोल देती हूँ, अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के सारे नंबर्स को काट दे तो ये सबसे छोटा नंबर ही SCF होगा। तो ये देखिए 4 के टेबल में 12 भी जाता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है, मतलब ये जो 4 है हमारा SCF है। ठीक, अब आते हैं हमारे दूसरे ट्रिक पे। मान लेती हूँ हमारे पास नंबर है 8, 20, 28 एंड 44। अब ये देखिए क्या है, इसमें 8 के टेबल में ना ही 20 आता है, इसमें सबसे पहले हमने तो छोटा नंबर छांट लिया जो फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब ना 8 के टेबल में 20 आता है, 28 भी नहीं आता है, 44 भी नहीं आता है। तब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में घबराना नहीं है बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर को निकाल लेंगे। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो हमने तो देख लिया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब बड़े से शुरुआत करनी होगी, 8 के टेबल में तो ये नहीं आया था। अब 4 के टेबल में ट्राई करते हैं, 4 के टेबल में 20 आता है, 28 भी आता है एंड 44 भी कट जाएगा 11 टाइम्स में, मतलब ये जो 4 है वो हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे।
मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो ये है, क्वेश्चन एक उतार लेती हूँ, 30 है, 42 एंड 135। अब क्या करना है, इसमें भी सेम है, हमें सबसे पहले छोटा वाला फैक्टर नंबर लेना है। अब 30 के टेबल में 42 तो नहीं आएगा, 30 से ना ही 135 डिवाइड हो रहा, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। 30 से हो रहा और 15 एंड 10, 6, 5 एंड 3। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हाईएस्ट से, 30 से तो हुआ नहीं, 15 से भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 42 है। अब आते हैं 10 से भी नहीं हो रहा, 0 नहीं है लास्ट में, 6 7 या 42, 6 2 या 12 और 15 नहीं जाएगा। 5 से ये तो जाएगा बट ये नहीं जाएगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या में लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं। अब हमारे पास लास्ट बचता है 3, तो 3 से देखती हूँ, 3 1 3 1 12, 4 बार में कट है, 3 4 12, 1 5 15 कट है, मतलब SCF क्या हो गया, 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप आगे भी हमारे वीडियो को देखिए, आपको और भी कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे एग्जांपल के रूप में ताकि आपकी कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए। आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है, मान लेती हूँ हमारे पास क्वेश्चन है 24 60 84 एंड 108। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हमें सबसे पहले छोटे वाले नंबर को छांटना है। अब इसका 24 के से 60 डिवाइडेड नहीं हो रहा तो पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, जैसे 24 12 8 6 और 4 एंड 2, 3 से भी है 3 एंड 2 1। ठीक है, अब तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब देखते हैं 24 से तो नहीं हुआ, छोड़ देते हैं, 12 से 12 25 60 लग जाता है, 12 7 84, 12 9 108, मतलब ये जो 12 है यही हमारा SCF है। ठीक, अब आते हैं हमारे पांचवे नंबर क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम कंपटीशन के एग्जाम्स को क्लियर करने बैठते हैं तो उसमें क्वेश्चंस के साथ हमारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं, तो इस टाइम क्या करना है ना, हमें पूरा अच्छे से दिमाग लगाना है और टाइम की बचत करनी है। कैसे करना है, मान लेती हूँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 108 288 एंड 360। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में जो आते हैं क्वेश्चन उसमें ऑप्शन रहते हैं, मान लेती हूँ यहाँ पे ऑप्शन में 36, बी में है 18, सी में 19 एंड डी में 72। ठीक, तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले छोटा नंबर छांटना है, ये हमने छांटा, इससे ये नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 108 किसी किसी टेबल में आता है, स्टार्टिंग करते हैं हाईएस्ट से 54 36, है ना। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया 54 आया, फिर 3 से किया तो 36 आया, 4 से किया तो 4 2 8 एंड 28, मतलब 27 आया। तो अब आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले जो ये हमारे पास है हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देखेंगे सबको, नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं उसमें से देखेंगे एग्जांपल में कोई मैच हो रहा है या नहीं। तो ये हम देखते हैं 36 मेरा मैच हो रहा है, तो समय की बचत करते हुए और एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे, मतलब हमारे समय की भी बचत हो रही और हमारा आंसर भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पे, मान लेती हूँ नंबर है 750 6300 एंड 118900, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसे देख के घबराना नहीं है, हमें सिंपल वे में ये सोचना है कि सारे नंबर्स के लास्ट में 00 हैं तो हम एक 0 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटा नंबर ये है तो इसके फैक्टर कर लिया हमने, इसे हम 75 मान लेते हैं, 00 हमने हटा दिया अभी, तो 75 का फैक्टर क्या है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 2 6 115, मतलब 23, 4 से भी नहीं, 5 से 15 बार में, है ना, 6 से जाएगा, 6 1 6 115 नहीं जाएगा, तो चलो इतने में पहले ट्राई कर लेते हैं, 23 है,
तो 23 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 से देखते हैं डिवाइड करके। जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 से तो ये कट ही रहा है, 15 फोर जा 60, 30 आया, 15 टू जा 30, मतलब ये भी कट है, 15 वन जा 15, 39, 2 बार में 30, 90, 6 बार 90, मतलब ये भी कट हो गया। तो ये जो हमारा 15 है यही हमारा SCF है, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये 15 SCF नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यू, ये जो जीरो हमने हटाया था वो जीरो हम यहाँ भी तो डालेंगे, तो ये आ गया हमारा 150, मतलब SCF क्या हुआ 150, ठीक है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपके माइंड में हो तो उसे कमेंट में दें। थैंक यू।